तेजी से बढ़ती कीमत के कारण आज बिटकॉइन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है कि आखिर यह मुद्रा है क्या। 2009 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसकी कीमत 15 पैसे थी, लेकिन आज बिटकॉइन की कीमत 10 लाख रुपए से ऊपर जा चुकी है। कुछ दिन पहले यह 13 लाख रुपए के पार चला गया था। आइए आपको बताते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी के नाम से मशहूर बिटकॉइन क्या है और कैसे इससे लेन देन होता है। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है, इसे डिजिटल वॉलेट में रखकर ही लेन देन किया जा सकता है। इसे 2009 में एक अनजान इंसान ने एलियस सतोशी नाकामोटो के नाम से क्रिएट किया था। इसके जरिए बिना बैंक को माध्यम बनाए लेन देन किया जा सकता है। हालांकि भारत में इस मुद्रा को न तो आधिकारिक अनुमति है और न ही इसे रेगुलेट करने का कोई नियम बना है। CNBC व अन्य की रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी दुनिया में केवल 2.10 करोड़ बिटकॉइन मौजूद हैं और उनमें से अभी 1.20 करोड़ से ज्यादा बिटकॉइन की माइनिंग हो चुकी है, यानी इस वक्त इतने बिटकॉइन चलन में हैं। बिटकॉइन हासिल करने के 3 तरीके हैं। ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो फ्री बिटकॉइन ऑफर करती हैं। इसके लिए आपको कुछ टास्क को पूरा करना होता है और उसके बदले में आपको बिटकॉइन मिलते हैं। इसके अलावा कैश के बदले या फिर किसी सामान के बदले भी बिटकॉइन हासिल होते हैं। जिन देशों में बिटकॉइन लीगल हैं, वहां आप कैश के बदले बिटकॉइन देने वाले सेलर या सामान के पेमेंट के रूप में बिटकॉइन हासिल कर सकते हैं। तीसरा तरीका है बिटकॉइन की माइनिंग। बिटकॉइन माइनिंग का अर्थ है नए बिटकॉइन जनरेट करना या चलन में लाना। CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन में किए गए ट्रांजैक्शन वेरीफाई किए जाते हैं। इसके लिए इन्हें एक पब्लिक अकाउंट मेड कर दिया जाता है, इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। इसमें बिटकॉइन में लेन देन करने वाले दुनिया के हर इंसान का ट्रांजैक्शन नेड रहता है। ब्लॉकचेन पर एक पेडलॉक होता है जिसे एक डिजिटल की से खोला जा सकता है। उसकी को हासिल कर लेने पर आपका बॉक्स ओपन होता है और ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाता है, तब आपको नए 25 बिटकॉइन हासिल होते हैं। फैक्टसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन एक डिजिटल वॉलेट में सेव होते हैं और इनकी एक डिजिटल की होती है। अगर आपसे यह की खो जाती है तो वॉलेट भी खो जाता है, यानी आप अपने कमाए हुए बिटकॉइन गंवा देते हैं। जो डिजिटल करेंसी के लिए वॉलेट उपलब्ध कराती हैं, जैसे ब्लॉकचेन और कॉइनबेस इनसाइट्स पर बिटकॉइन के लिए वॉलेट भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन के लिए बिटकॉइन वॉलेट के एप्स भी मौजूद हैं। जब आप बिटकॉइन में लेन देन करते हैं तो आपके नाम या पहचान का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल एक बिटकॉइन एड्रेस होता है जिसके जरिए सभी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रहता है। CryptoCurrencyHelp.com के मुताबिक अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे कई देश ऐसे हैं जहां बिटकॉइन के बदले कैश या फिर बिटकॉइन की कीमत के हिसाब से पैसे आपके डेबिट कार्ड में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसके बदले आप भी किसी को कैश के बदले बिटकॉइन दे सकते हैं। साथ ही जिन देशों में ऑनलाइन बिटकॉइन एक्सचेंज मौजूद है और यह लीगल है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करा बिटकॉइन की बिक्री की जा सकती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए। यदि आप हमारा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।